फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग जानेंगे 6 से 12 महीने के बच्चों के साथ आप ऐसी कौन सी 18 एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे बच्चे के हंगरी ब्रेन को आप लोग खाना खिला सको और बच्चे के डेवलपमेंट के स्पीड का बटन दबा सको। चलिए जानते हैं, क्या आपका बच्चा 6 महीने प्लस है और अभी बच्चा दुनिया को अपनी नज़र से ऑब्जर्व करता है, समझने की कोशिश करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम लोग बच्चों को बिजी कैसे रख सकते हैं। रादर बच्चे को बिजी रखने से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग बच्चों के साथ ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो बच्चे का ब्रेन और भी अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे। आप लोगों का बच्चा 6 महीने के अंदर है तो हम लोग ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बात किया था 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के साथ आपको कौन से एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अभी के लिए समझ लो 6 से 12 महीने के बच्चों को 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। द फर्स्ट थिंग इज लव, गिव देम लॉट ऑफ लव, कडल, हग, पास में लेना, उनको प्यार से पास में लेना। बिकॉज बहुत बार कैसे हो जाता है, जैसे ही बच्चे का 6 मंथ चालू हो जाता है, सॉलिड खाना शुरू हो जाता है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को मिस करता है, बच्चा आपके पास आना मिस करता है और बच्चा बहुत सारे दूसरे इनपुट में भी थोड़ा सा बिजी हो जाता है। सो दे नीड लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ लव, तो जितना प्यार करोगे उतना बहुत अच्छा। द नेक्स्ट थिंग इज अटेंशन। अभी बच्चों को समझ में आता है कि मैंने ये किया तो मुझे वेरी गुड बोला, मैंने ये किया तो मम्मी को परेशानी हो गई, मैंने ये किया तो शाम को पापा को कंप्लेंट हुआ। तो अगर कुछ भी चीज़ बच्चा अच्छी करता है, गिव इट इनफ अटेंशन। थर्ड थिंग, बच्चों को क्वालिटी टाइम दो, क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, बाय द टाइम बच्चा 6 महीने का हो जाता है, आपका वर्किंग शुरू हो जाता है, तो क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं, बट क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली टच। अब जितने एक्टिविटीज़ के थ्रू, जितने चीज़ों के साथ, जितना पर्सनल टच आप बच्चे को दे पाओगे उतना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको पता है टच ये बच्चे के बॉडी और माइंड का खाना होता है, और खाना जितना अच्छे से दोगे उतना माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। अब जाते हैं एक्चुअल वीडियो के अंदर, जो आप घर के अंदर की चीज़ें यूज़ करके बच्चे के साथ खेल सकते हो जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, कॉज एंड इफेक्ट डेवलपमेंट, मतलब क्या, ऐसा करने के बाद आवाज़ आया तो आवाज़ आने के पीछे कॉज क्या है, क्लैप। ये बच्चा कनेक्शन लगाने लग जाता है कि किस चीज़ के पीछे क्या वजह है। अभी जो बच्चे का डेवलपिंग माइंड है वो खुद के खुद बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। बच्चे का रिसेप्टिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है। रिसेप्टिव पावर मतलब क्या, जो चीज़ बच्चा अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, ग्रैप कर रहा है। एक्सप्रेसिव पावर अब तक उतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, वोकैबुलरी नहीं है, बट बच्चे का रिसेप्टिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बच्चे को जितने ज़्यादा रिसेप्टिव करने के लिए ऑप्शंस दोगे उतना बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा शार्प बनेगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज़ अ पीकबू। पीकबू एक्टिविटी हम लोग बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों ने 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के जो वीडियो है उसमें भी ऑब्जर्व की होगी, बट अभी का पीकबू थोड़ा एडवांस पीकबू है। अभी आप जो पीकबू खेलते हो बच्चे को भी पता है कि पेरेंट्स इधर ही है। सो व्हाट्स द एडवांस वे ऑफ प्लेइंग पीकबू? एडवांस वे इज ब्लैंकेट के अंदर चीज़ों को छुपाना। खुद को छुपाया तो भी चलता है, पूरा ब्लैंकेट ऊपर में डाल दो और अंदर से आवाज़ दो, पापा किधर है, मम्मा किधर है, लेट देम कम टू यू। बिकॉज अभी बच्चा नेक खोल कर पाता है, रोल कर पाता है, थोड़ा और बड़ा होने के बाद बच्चा क्रॉल कर पाता है, पेट के ऊपर फिसल के आगे आ पाता है। सो बच्चा आके दुब करके उसको खींच के निकाल देगा। अगर आपका बच्चा अब तक हार्डली 6-6.5 महीने का है तो आप लोग ब्लैंकेट के अंदर उसका कोई खिलौना छुपा सकते हो और खिलौने का छोटा सा पूछ या कोई एरिया ब्लैंकेट के बाहर रख सकते हो और फिर बच्चे को सिग्नल दो, किधर है खिलौना, किधर है, लेट बेबी ट्राई, कि ब्लैंकेट को सरका के बच्चा खिलौना दिखेगा। अगर बच्चा अभी तक छोटा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप एक बार ब्लैंकेट हटा के बच्चे को खिलौना दिखा दो और वापस ब्लैंकेट को ढक दो। तो बच्चे को थोड़ा सा क्ल्यू देखिए, आप बहुत एडवांस टाइप का पीकबू खेल सकते हो। पीकबू ये एक्टिविटी बच्चे के सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे का फाइंडिंग मैकेनिज्म, बच्चे का फोकस, बच्चे के लिए मेमोरी, बिकॉज आपने कुछ दिखाने के बाद बच्चे को सोचना है एग्जैक्टली ये टॉय कहाँ पर है, किधर रखा हो सकता है, और ये सब सोच के फिर बच्चे को ढूंढना, तो ये बच्चे के मेमोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। तो एडवांस पीकबू बच्चों के लिए बहुत अच्छा है।
दूसरा एक्टिविटी स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब क्या? स्टैकिंग आप दो टाइप में खेल सकते हो। एक टाइप है कि सेम टाइप की चीज़ें एक के ऊपर एक चढ़ा के रखो, जैसे मग है, ग्लास है, प्लास्टिक के कोई टॉयज, आपके मेजरिंग कप है, वो आप एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो। स्टैकिंग का गेम मतलब एक के ऊपर एक पाइल अप करने का गेम आप लोग पेपर ग्लासेस के साथ भी बहुत अच्छे से खेल सकते हो। सी बेसिकली हम लोग को ऐसे टॉय चाहिए जिसके ऊपर बच्चे का हाथ पड़ जाए, बच्चा खुद उसके ऊपर गिर जाए तो भी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड वे। तो स्टैकिंग के लिए आप पेपर ग्लासेस एक के ऊपर एक रख दो और फिर बच्चे को उसको तोड़ने को लगा, फिर बच्चे का हाथ पकड़ के स्टैक करने का कोशिश करो। तो स्टैकिंग का गेम अगर आप लोग बच्चे के साथ खेलते हो तो बच्चे का बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्जर्वेशन, फोकस एंड यस ब्रेन का शार्पनिंग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू कैन डू विथ अ 6 to 12 मंथ्स ओल्ड बेबी इज वुडन पजल ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आपको थोड़े बड़े बड़े प्रीफरेबली वुडन के ब्लॉक्स ऐसे ढूंढने हैं जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है या जिसके ऊपर पिक्चर्स है। जैसे मेरी डॉटर्स के लिए मेरे पास वुडन ब्लॉक्स थे जिसके एक तरफ नंबर लिखा हुआ था 1, एक तरफ ड्रॉ किया हुआ था, एक तरफ एक डॉट था और एक तरफ एक पत्ता ड्रॉ किया हुआ था। सो इट वॉज अ वंडरफुल पेपर ब्लॉक्स। आप लोगों को कपड़ों के या फोम के भी ब्लॉक्स मिलते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप लोग वुडन ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होता है। और उसके साथ आप ब्लॉक्स के अलग अलग शेप्स बना सकते हो, अलग अलग स्टाइल में उसको स्टैक कर सकते हो, अलग अलग वेज में बच्चे को उसके ज़मीन के ऊपर उसके अलग अलग फ्लोइंग, जैसे zigzag बना दिया आप लोगों ने, बम्पट्टी लाइन बना दिया, वेवी लाइन बना दिया, तो बच्चे को आप अलग अलग शेप्स भी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाओगे वुडन ब्लॉक्स के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी रीडिंग। रीडिंग एक्टिविटी हम लोग 0 to 6 मंथ से ही शुरू करते हैं, रीड आउट लाउड। अभी के लिए आप लोगों को वो एक्टिविटी थोड़ा सा एडवांस करना है। आपको रीडिंग करते वक्त प्रिफरेबली हार्ड बुक्स का यूज़ करना है। तो आप लोग रीडिंग करते वक्त बच्चे को बोल सकते हो कि बच्चा पेजेस को टर्न करेगा, या आप बच्चे का हाथ पकड़ के बच्चे को पेजेस टर्न करने को लगा सकते हो। बिकॉज आपका बच्चा अभी काफ़ी कंफर्टेबली कुछ मोमेंट्स के लिए इंडिपेंडेंटली बैठ सकता है, ज़्यादा मोमेंट्स के लिए आपके गोदी में सपोर्ट लेके बैठ सकता है, तो बच्चा अपने हाथ को बैंग करेगा बुक्स के ऊपर, बच्चा टर्न करने का कोशिश करेगा। आप बच्चे का उंगली लेके पॉइंट कर सकते हो, दिस इज रीना। स्टोरी में जिस रीना के बारे में बात हो रही है वो ये रीना है, तो आप लोग पॉइंटिंग सिखा सकते हो आपके बच्चों को। तो अभी रीडिंग बिकम्स अ इंटरैक्टिव प्ले। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला बच्चे का रिसेप्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे को ये सब बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटी बच्चे का बुक्स के लिए लाइकिंग बढ़ाता है, रीडिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट अच्छा करता है, बच्चे का लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करता है, एंड एट द सेम टाइम बच्चे को नए नए वर्ड्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर चाइल्ड इज क्लैप। जैसे कि मैंने आपको बोला 6 महीने के आगे का बच्चा कॉज एंड इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझता है, सो प्रीफरेबली क्लैपिंग बिकम्स अ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। सो आप क्लैप के अराउंड कोई गाना बोल सकते हो, राइम बना सकते हो, जैसे 1 clap 2 clap clap 3 clap 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 4 clap 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 5 clap 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 clap. सो मैंने अलग अलग रिदम में क्लैप बजाए, मैं अलग अलग रिदम में पिच में बच्चे के लिए गाना गुनगुना रही हूँ। सो सिंगिंग एंड द एक्टिविटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एट द सेम टाइम रिदम, ये चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। सो इट्स अ क्लैप गेम फॉर योर चाइल्ड जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे को बेनिफिट मिलता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू कैन डू विथ योर चाइल्ड इज राइमिंग वर्ड्स। ये एज के बच्चों थोड़ा सा बैबलिंग भी कभी कभी शुरू कर दे, आओ आओ आ, बच्चा अपना अपना लैंग्वेज बोलता है जिसका हमको कोई कुछ अत्ता पत्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट बच्चे को राइम्स का कनेक्शन बहुत अच्छे से लग रहा है। जैसे एज सिंपल एज थम थम थम, बम बम बम, लम लम लम, जम्प जम्प जम्प, डम डम डम। सुनने में बहुत सिली लगता है बट बच्चा राइम्स से बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। जैसे सिली सिली सिली, लिली लिली लिली, सिली लिली सिली लिली, सिली सिली लिली। आप खुद के राइम बना सकते हो या आप ट्रेडिशनली जो राइम्स चले आ रहे हैं वो गुनगुना सकते हो, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, देयर आर राइम्स।
बच्चों का कोई भी राइम आप लोग पकड़ लो, उसमें राइमिंग वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स से बच्चों को जितना जल्दी फ्रेंडली करोगे, स्पेशली दिस एज, तो बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज को ग्रास्प कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज, शेक द बॉटल। ये बॉटल शेक करके जैसा एक्टिविटी है, आप घर के कोई भी 3 से 4 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ले लो, उस बॉटल्स के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें भरनी है। जैसे आपने एक बॉटल में थोड़ा सा रफ सैंड भर दिया, उसका एक अलग टाइप का आवाज़ होगा। एक दूसरी बॉटल में रॉ पास्ता भर दिया, उसका एक अलग आवाज़ होगा। एक तीसरी बॉटल में 2-3 मार्बल्स भर दिए, उसका एक अलग आवाज़ हो गया। एक चौथी बॉटल में मोती भर सकते हो आप लोग, पर्ल्स, तो उसका एक अलग आवाज़ हो गया। तो ऐसे 3-4 टॉयज अगर आप बच्चे के लिए बना के रखते हो, तो बच्चा खुद का खुद म्यूज़िक क्रिएट करता है, बच्चे का लिसनिंग स्किल बहुत इम्प्रूव होता है, और बच्चा दुनिया को और उसके अलग अलग आवाज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। सो दीज आर कॉल्ड होम मेड टॉयज। आप डिफरेंट डिफरेंट शेकर बॉटल्स बच्चों के लिए बना सकते हो, एंड दैट कैन बी रियली इफेक्टिव। ओके, शेकर बॉटल बनाने का और एक आइडियाज, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्व करने वाली है बट आवाज़ नहीं करते हैं, जैसे स्पार्कलिंग शाइनिंग पीसेस, ग्लिटर, स्पार्कल्स, तो आप बॉटल में पानी डाल के उसके अंदर ये शाइनी पीसेस डाल के ढक्कन लगा के, याद रखो आपको ये सारे बॉटल्स को ऊपर से सील करना है ग्लू लगा के या टेप लगा के। अगर आप लोग उसको सील कर दोगे तो बाहर गिरने का, बच्चे ने मुंह में डालने का, ये सब टेंशन ख़त्म हो जाता है। सो आप लोग ड्राई वाले शेकर बना सकते हो, आप शेकर में दाल पल्सेस इसका भी यूज़ कर सकते हो, आप वेट मतलब पानी के अंदर के शेकर बना सकते हो जो ऑब्जर्व करना ज़्यादा रहेगा, उसमें थोड़े से मोती वोती डाल दिए तो थोड़ा सा आवाज़ भी आ जाएगा। सो शेकर्स आप 2 टाइप के बना सकते हो आपके बच्चों के। द नेक्स्ट एक्टिविटीज़, डिसअपियर विथ चेरियोज, मखाना, चुरमुरा, ऐसी हर चीज़ें जो हम लोग बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं कि हाथ से उठा के आपको मुंह में डाल के खाना है। सो आप उन चीज़ों के साथ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक कर सकते हो। घर की कोई भी 3 से 4 कटोरीज यूज़ कर लो, एक कटोरी के नीचे एक चुरमुरे का दाना छुपा दो, बच्चे के सामने छुपा, और उस बच्चे को बोलो किस में है, लेट योर बेबी ऑब्जर्व, टच किया तो खोल के बताओ इसमें तो नहीं है। सपोज इटली बच्चा कुछ दिनों के बाद समझने लग गया कि इसके नीचे है, फिर आप बच्चे के सामने कटोरी को शिफ्ट कर दो और फिर वापस बच्चे को ढूंढने को लगा। तो बच्चे की खाने वाली छोटी छोटी चीज़ें आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कटोरी के अंदर छुपा सकते हो। इट्स कॉल्ड डिसअपियर गेम। सो चीज़ डिसअपियर हो गई और वापस अपियर हो गई, तो ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी, लाइट शो। ये बड़ा कमाल का एक्टिविटी है। आप LED लाइट्स का छोटा सा विथ सेल, अगर कोई आपके पास लाइट है जिसको एज सच इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं है, आप कोई एम्प्टी बॉटल लेके उसके अंदर वो LED लाइट डाल सकते हो, उसको ऊपर से सील कर दो बॉटल को या टाइटली ढक्कन लगा दो, कमरे में लाइट बंद करो और वो जो बॉटल है उसको ऑन रख के उस बॉटल को ज़मीन के ऊपर रोल करो। आपका बच्चा उस लाइट को फॉलो करता है, बच्चे को डार्कनेस और लाइट में फ़र्क समझ में आता है, बच्चा बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, बच्चा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। सो लाइट इन द बॉटल इट्स अ वेरी गुड गेम, और द लाइट शो। नेक्स्ट गेम इज फिंगर पेंटिंग और मेसी प्ले। बच्चों को मेस करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सो प्रीफरेबली थिक बेबी फ्रेंडली कलर्स को यूज़ करो। यूजली रंगीला कलर्स इज सपोज टू बी बेबी फ्रेंडली कलर्स, तो आप उसको बच्चे के हाथ के ऊपर लगा सकते हो, या बड़े कटोरी में कलर निकाल के बच्चे का हाथ डिप करके बच्चे के हैंड प्रिंट ले सकते हो, फुट प्रिंट ले सकते हो, बच्चे के हैंड प्रिंट या फुट प्रिंट के अलग अलग शेप्स बना सकते हो, अलग अलग एनिमल्स बना सकते हो। आप लोग और एक चीज़ कर सकते हो जो थोड़ा सा और मेसी है, बट दही, गाढ़ा दही और उसमें फूड कलर मिक्स करके वो कलर बना दो। सो दही एंड अ फूड कलर, और बच्चे को उसके साथ खेलने दो, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखो कि मुंह में नहीं जाए, वैसे ऐसे दही और फूड कलर ही हम लोगों ने डाला हुआ है, बट उसको लेके बच्चा आंग पे डालेगा, पेपर के ऊपर मैस करेगा, मैट के ऊपर मैस करेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है बच्चे के बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सो दही विथ फूड कलर करोगे तो इट्स एनी टाइम बेटर, क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, एंड इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट फिंगर पेंटिंग, डॉट पेंटिंग, मेस पेंटिंग, रबिंग, क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, मेसी प्ले, ये सब चीज़ें आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप लोग बच्चे के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
इट्स नेचर प्ले. बच्चे को गार्डन में लेके जाओ, झूला खिलाओ, सी सॉ खिलाओ, बच्चे के हाथ पकड़ के किसी चीज़ के ऊपर लटकाओ, छोटा घोड़ा होता है तो उसके ऊपर बिठाओ, छोटे कार में बिठाओ, मेरी गो राउंड होता है छोटे बच्चों का, कहीं पे आप बच्चे को लेके बैठ सकते हो, बच्चे के साथ लॉन में खेलो, पासिंग द पार्सल खेलो, बट घर के बाहर जाके नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना विल कनेक्ट योर बेबी टू वर्ल्ड बेटर. बच्चे को नेचर की ब्यूटी समझ में आती है, नेचुरल कलर्स आँखों को तकलीफ नहीं देते हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो बच्चा एब्जॉर्ब करता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है, समझता है. तो अभी ये एज ग्रुप बहुत परफेक्ट एज ग्रुप है जहाँ पे आप लोग बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट करो, नेचर के साथ प्ले करो. नेक्स्ट एक्टिविटी, क्ले प्ले. आप लोग बेबी फ्रेंडली क्ले लेके आ सकते हो या घर पे मैदे का आटा यूज़ करके बच्चे के लिए क्ले तैयार कर सकते हो. आप गेहूँ के आटे का गाढ़ा आटा लगा के भी क्ले तैयार कर सकते हो, उसमें फूड कलर डाल के अलग अलग टाइप के क्ले बना सकते हो. आप वेट क्ले एंड ड्राई सैंड दोनों टाइप से बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो. जैसे ड्राई सैंड जो है वो आप बारीक रवा जो होता है हमारे घर में रवा, उसमें फूड कलर और बेबी ऑयल, ये सब चीज़ें डाल के बहुत अच्छे से मसाज कर दो तो आप लोग के पास ऑलमोस्ट सी सैंड तैयार हो जाएगी. सी सैंड के जैसा फील आपके बच्चे को दे सकते हो, उसके साथ बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हो. एंड एट द सेम टाइम मैदे का, गेहूं के आटे का आप लोग क्ले बना के उसके अलग अलग शेप्स, उसको जनरली बच्चों के पास खेलने के लिए देना, इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी बच्चे के बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए. नेक्स्ट एक्टिविटी सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन में आप अलग अलग टाइप के बड़े बड़े बॉल्स, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े बटन्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स, अलग अलग शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स इसको अलग अलग रख सकते हो. दिस इज रेड, दिस इज येल्लो, दिस इज ग्रीन. अगर आप बच्चों को सेग्रीगेशन प्ले सिखाते हो तो बच्चों का डिफ्रेंसिएशन का जो माइंड का अप्रोच होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है. बच्चा चीज़ों में डिफरेंस समझ पाता है और उसको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर पाता है. सो सेग्रीगेशन इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जिसमें आप लोग, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो वाटी अलग, चम्मच अलग, छोटे चम्मच अलग, प्लेट अलग, ऐसे वियर्ड ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो, या तो फिर सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कलर्स ऐसे भी कर सकते हो. बट सेग्रीगेशन प्ले इज़ वेरी गुड. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अ वाटर प्ले. आप लोग बच्चे को पिकनिक के लिए लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, घर में बाथ टब में रखो. बच्चों को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद आता है. प्लीज़ बच्चों के लिए पानी के अंदर खेलने के लिए टॉयज़ खरीद के लेके आओ. सो बच्चों को नहलाने के बाद टब में थोड़ी देर टॉयज़ के साथ खेलने के लिए छोड़ना. अगर आप लोग कहीं पर बाहर जाते हो तो वहाँ पर बच्चों को पानी में खेलने के लिए छोड़ना. इनकेस आप कहीं पिकनिक के लिए जा रहे हो, वहाँ पर फ्रेश वाटर, क्लीन स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ उतरना. दिस ऑल आर वेरी पॉजिटिव अप्रोचेस. जैसे अभी करेंटली रेनी सीजन चालू है तो आप लोग रेनी सीजन में बच्चों के पाँव को थोड़ी देर के लिए स्प्लैश करना, बच्चों के साथ बैठ के पेपर बोट छोड़ना, दिस ऑल आर वेरी गुड एक्टिविटीज. वाटर प्ले बच्चों के हाथ और पाँव के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज का काम करता है. वाटर रेजिस्टेंस की वजह से बच्चों के मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं. बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद आता है. आपको पता है क्यों? 9 महीने बच्चा पानी के अंदर ही तो था. बच्चे का और पानी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है. तो इंश्योर दैट योर बेबी इज डूइंग अ वाटर प्ले. द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू कैन डू इट विथ योर चाइल्ड इज रीच आउट टू इट. कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो बच्चे से थोड़ा सा दूर रखो और बच्चे को मोटिवेट करो. अगर आपका बच्चा अब तक आगे नहीं सरक रहा है तो आप बच्चे के पाँव के पास हाथ रख सकते हो ताकि बच्चा हाथ के ऊपर से पुश लेके आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा. बट रीच आउट टू थिंग्स इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जो बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और बच्चे को वो फील देता है टू बी सक्सेसफुल कि मैंने सोचा और मैंने वो पा लिया. इंट्रोड्यूस होम ड्रमिंग सेशन यूजिंग यूटेंसिल्स. द लास्ट एक्टिविटी फॉर 6 to 12 months kids. It's a very simple thing. अभी ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप लोग बच्चों के लिए कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो. जैसे कि बच्चे के लिए प्ले मैट्स है. प्ले मैट्स मतलब बहुत बड़े मैट रहते हैं जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के म्यूजिकल टॉयज हो सकते हैं, जैसे म्यूजिकल प्ले मैट. या आप लोग बच्चों के लिए अलग अलग पिक्चर वाला जनरल प्ले मैट खरीद सकते हो. आप बच्चों के लिए प्ले जिम लेके आ सकते हो. बच्चे हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं. मिरर वाली कुछ चीज़ें हो सकती है जहाँ पे बच्चा खुद को देख के खुद के साथ खेलता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, गिर जाता है.
बट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टू कलरफुल थिंग्स जिसको बच्चा देख देख के इंजॉय करता है. याद रखो, बच्चा क्रॉल करना सीख रहा है, बच्चा पेट के ऊपर स्लाइड करना सीख रहा है, बच्चा चीज़ों को कैच करने की कोशिश कर रहा है, आप चीज़ों बच्चे से दूर रख सकते हो. सो ये सब चीज़ें आप लोग प्ले मैट पर बहुत ईजीली बच्चों के साथ खेल पाओगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव इनफ अटेंशन एंड अप्रिसिएशन टू योर किड्स. बिकॉज याद रखो, बच्चों को आप जितना एक्सपोजर दोगे उतना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है. जो चीज़ें छोटी वाली है आपके रूटीन स्पेस में मैनेज हो सकती है, वो आप बच्चे को हाई चेयर पे खेलने के लिए दे सकते हो. और छोटा सा डाइनिंग टेबल का मैट आप लोग बना सकते हो, विच इज़ फॉर बेबीज मेसी प्ले. ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है. याद रखो, मेस करने के लिए वो उम्र भी चाहिए जहाँ पे बच्चा वो मेस एंजॉय कर सकता है. प्लीज़ बच्चों को वो एक्सपोजर दो, बिकॉज ये बच्चे के माइंड के लिए, बॉडी के लिए, बीइंग के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने वो 18 एक्टिविटीज़ जानी, वो 18 एक्टिविटीज़ जो आप लोग घर पे बच्चों के साथ कर सकते हो, जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और बच्चे के लिए ट्रीट है उसके हंगरी ब्रेन के लिए. मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर. मैंने मेरे डॉटर्स के साथ बहुत गेम्स खेले हुए हैं. मैं मेरे बच्चों के साथ मदर टॉडलर क्लब भी जाती थी, वहाँ पर भी हम लोग को बहुत सारे एक्टिविटीज़ सिखाए गए थे. एंड ट्रस्ट मी, मैंने मेरे बच्चों के साथ बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट किए हुए. फ़ोटो खींचो, वीडियोस खींचो, बच्चे का मेसी प्ले, आर्ट प्ले. आप अगर किसी बुक में करते हो तो उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखो. याद रखो, बच्चा वापस कभी भी इस एज ग्रुप में नहीं जाएगा. बच्चा हर दिन बड़ा होता है, मेमोरीज हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं. डू क्रिएट योर ओन मेमोरीज. कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के पक्का बताना आपके बच्चे को ये एक्टिविटीज़ करके कैसा लगा. और ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनके बच्चे 6 से 12 महीने के एज ग्रुप में. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.